तुलसी प्रेमचंद घाट है और यहाँ अंकल हमें बताएंगे तो हम अंकल से सुनते हैं। ये सब उधर ही चले जाओ। चौसठी घाट गली के अंदर में चौसठ योगिनी माता का मंदिर है, चौसठी माता। इस घाट का नाम दिगपतिया घाट, बंगाल महाराजा दिगपतिया घाट। ये देखिए राजा घाट, बालाजी बाजीराव पेशवा पूना महाराष्ट्र महाराजा बॉम्बे पूना। यहीं पर सनी देओल ने घातक मूवी बनाया था, घातक पिक्चर यहीं का शूटिंग है। ये देखिए नारद घाट है, नारद घाट यहाँ पति पत्नी को स्नान करने से लड़ाई झगड़ा होता है। नारद जी के घाट पर कोई पति पत्नी साथ में स्नान नहीं करता। तो नारद घाट पे कभी भी कोई भी पति पत्नी साथ में स्नान ना करे, ये हाथ जोड़कर प्रार्थना है आप सबसे। नारद जी का प्रकोप यहाँ पे भी पड़ गया है। तो गाइस ये है मणिकर्णिका घाट और इस घाट की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि इस घाट में कभी भी लौ शांत नहीं होती। मतलब आप बारहों महीने के बारहों महीने देख सकते हैं कि इस घाट की लौ कभी शांत नहीं होती। ये है राजा हरिश्चंद्र घाट, जहां आप देख सकते हैं कि छिताए जल रही हैं और राजा हरिश्चंद्र जी किसी परिचय के मोहताज तो है नहीं, तो मुझे नहीं लगता है कि राजा हरिश्चंद्र जी के बारे में मुझे ज्यादा कुछ आप सबसे बताने की जरूरत है। और ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है ये बोट वाले अंकल हमें दे रहे हैं क्योंकि काफी सालों से उनको एक्सपीरियंस रहा है। तो अब हम चलते हैं वापसी की ओर। Thank you.
यात्रा थी वो हो गई। तो हमारी जो नाव की यात्रा थी वो हो गई पूरी और संपन्न हुई, और कितना ज्यादा मजा आया हम बता नहीं सकते हैं। अगर आपको ये जानना है कि कितना ज्यादा मजा आया तो एक बार आपको बनारस जरूर आना पड़ेगा और गंगा जी की सैर तो करनी ही पड़ेगी। कितना मजा आया शुभम, बहुत मजा आया। वृंदावन कितना मजा आया, कितना मजा आया बताओ, कितना मजा आया। अमेजिंग ट्रिप देखने में, मणिकर्णिका मान मंदिर घाट, मान महल घाट, कुछ नहीं। तो अब हम वापस चलते हैं, यहाँ पे फोटो क्लिक हो रहा है सबके साथ, क्योंकि जितने भी फोटो क्लिक करवा लो उतने कम ही लगेंगे। तो बहुत ज्यादा मजा आया, आप यहाँ आइए और मजे लीजिए। 5 बजे मेरी ट्रेन है, अब यहाँ से जितना देर। तो वापस से एक बार आप देख सकते हैं इस घाट को। हम पूरी रात नहीं सोए थे क्योंकि कल थी शादी, उसके बाद फिर हम 1 ही घंटा हमें रिलैक्स करने का टाइम मिला। आ रहे हो लोग फोटो क्लिक करवा रहे, आ रहे हो। तो आप 1 घंटा बस रिलैक्स करके, और फिर इतना घूमना, वैसे माइंड फ्रेश हो गया। सुबह नींद तो बहुत आ रही थी, आने का मन नहीं कर रहा था, बट हाँ तब पता चला कि हमने यहाँ आके कोई गलती नहीं की। तो ये इतनी लंबी लंबी सीढ़ियाँ, मेरा सारा एक्सरसाइज तो यही हो जाएगा। क्या हो गया उसको? आयशन गिरलस की सीढ़ी है, चल गया सबसे पहला सीढ़ी। कौन गया? ओ माय गॉड, और यहाँ मम्मी लोग की हालत बैंड हो रही है क्योंकि हमारी खुद की हालत इतनी बैंड। अभी नहीं, बाप रे इतनी सारी सीढ़ियाँ चढ़ चढ़ के हालत खराब हो गई है, इतनी ऊंची ऊंची सीढ़ियाँ। चलो तो फिर गंगा घाट को एक बार फिर अलविदा बोलते हैं और प्रार्थना करते हैं कि गंगा जी फिर हमें बुलाए एक बार और अपने दर्शन करवाने के लिए। तो वो कब बुलाती हैं देखते हैं। अरे फुल भैया थकने के बाद और काफी ज्यादा देर से घूमने के बाद हम यहाँ आए हैं खाने। हमें देखते हैं कि हम यहाँ खाते क्या है। अब डोसा
अरे छोले भटूरे चाउमीन अपने अपने ऑर्डर्स बताओ। जलेबी छोले भटूरे बताओ। तो गाइस अभी हमने गंगा घाट पे बहुत मस्ती की, उसके बाद खाना खाया हमने, और आज मौसा जी और मौसी जी की एनिवर्सरी है, तो ये जो पार्टी थी वो मौसा जी के साइड की थी। अब खा लिए और पेट एकदम फुल हो गया है और हमने बहुत इन्जॉय किया, तो अब चलते हैं घर क्योंकि थकान भी बहुत हो गया। थोड़ा सा रेस्ट करेंगे क्योंकि जब से हम यहाँ आए हैं तब से रेस्ट करने का तो टाइम मिला ही नहीं है, तो अभी चलते हैं, क्या पता आज मिल जाए। इस पे ऑटोग्राफ अपना दे दे।